फिर से रिजल्ट तैयार किया जाना चाहिए। हम सारे टीचरों से कनेक्ट होंगे अभी, और सुन लीजिए पूरे देश में आंदोलन होगा। जितने भी हमारे साथी टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे हमें प्यार देते हैं भाई ना, उनके लिए एकदम सब लोग खड़े होइए, एक होइए, और एक होकर पूरे देश में आंदोलन होगा अगर ये दोबारा से रिजल्ट तैयार नहीं होता है तो। दोबारा से फिर रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए, और 20 गुना रिजल्ट देना है तो 20 गुना रिजल्ट तैयार होना चाहिए, और एक बंदा किसी एक ही जगह उसका रिजल्ट होना चाहिए। एक ही बंदे को चार पोस्ट पर रिजल्ट दे दोगे, कहां कहां ज्वाइन करवाओगे उसको? गजब हाल है यार, मतलब तुमको कैसे रख लिया वहां पर, गजब हाल है। मतलब मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा, ऐसे फालतू आदमी सब बैठे हुए इस देश में। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों की कभी? क्या नहीं पढ़े लिखे हो तो किसी से पूछ लो, घूस देके गए हो ना, पता है हमको घूस देके गए हो तुम लोग वहां बैठे हो, तुमको क्या समझ में आएगा विद्यार्थी का दर्द क्या होता है? अरे तो पूछ लो, किसी से सलाह ले लो कि रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा। बहुत सारे इस देश में लोग हैं पढ़े लिखे, पता तो करो एक बार। और ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है ना, ये सब हटा लो, ये फालतू का है। पहले एग्जाम होता था, पहले एग्जाम नहीं होते थे क्या? पहले भी होते थे एग्जाम, और 100 में से 92 नंबर तुम्हारा बाप लाएगा। रिजल्ट दोबारा जारी होना चाहिए। और बच्चों मैं आप लोगों से कह देता हूं, आप लोग घबराना मत, हम लोग लगातार अरे रहेंगे, और जब तक रिजल्ट दोबारा से जारी नहीं होगा, और ये जो सिस्टम किया है ना चार जगह रिजल्ट देने का, ये सिस्टम नहीं खत्म करेगा, हम लोग इस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे रेलवे का चक्का जाम हो जाएगा, पूरे देश में जाम हो जाएगा, बता दे रहे हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी एक होइए, और सारे शिक्षक सबको मेरा प्रणाम है भाई, जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं बच्चों को, लगातार हम लोग एक अब होंगे, सब लोग बात करिए आपस में और कनेक्ट होइए एक दूसरे से, और फिर देखते हैं कि कैसे ये रिजल्ट जारी नहीं होता है। और बच्चों तुम लोग ना अपने पढ़ाई में कमी नहीं रखना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, हम लड़ेंगे। जब लड़ लड़के ही होता है अपना हक मिलता है तो लगातार लड़ाई जारी रहेगी। और सब लोग इस वीडियो को सभी विद्यार्थी तक पहुंचाइए, और सभी शिक्षक लोग सब एक साथ होइए, और एक बार आवाज उठेगी हमारी। चलिए धन्यवाद, सब लोग शेयर करिए वीडियो को।